अपूर्वानंद दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी का प्रोफेसर है और मनुखी अधिकारों का कारकुन भी है। उन्होंने नरेंद्र मोदी की अगवाई वाली भाजपा की सरकार के अधीन हिंदुत्व के उभार से बाखूबी लिखा और दृढ़ता के नाल बोलिया है। पिछले साल जदों दसंबर 2019 सिटीजनशिप सोध कानून और राष्ट्रीय रजिस्टर ऑफ सिटीजनस खिलाफ देशव्यापी मुजहरे किए जा रहे सन तो उदों प्रोफेसर अपूर्वानंद ने इस कानून के विरुद्ध अपनी आवाज़ लगातार बुलंद की थी। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया में पुलिस के अत्याचार भाजपा के विद्यार्थी विंग वालों जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों उत्ते किए गए हमलों और विद्यक अदारों उत्ते सरकारी जुल्म विरुद्ध हमेशा आवाज़ उठाई। अपूर्वानंद देश के बुद्धिजीवियों लेखकों के समाज सेवी हैं जो इस साल फरवरी में दिल्ली में हुई हिंसा की निरपक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। उस हिंसा में मारे गए 50 तो ज़्यादा लोग ज़्यादातर मुसलमान सन। मीडिया के मुखातिब होंदे उन्होंने दसिया कि जब सिटीजनशिप सोध एक्ट पास होया तो विरोधी पार्टी की चुप हैरान करने वाली सी, पर उत्तर प्रदेश दिल्ली के होर कई स्थानों के लोगों ने अंदोलन शुरू कर दिए। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों समेत होरना ने इस काले कानून का विरोध किया, पर सरकार ने विरोधियों बेरहमी दबा दिता। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस जुल्म का नोटिस लेने तो इनकार कर दिता। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सिटीजनशिप सोध एक्ट का विरोध करने वाले अंदोलनकारियों जनतक जायदाद को नुकसान पहुँचाने का कोई अधिकार नहीं है और जे अंदोलनकारी अपनी गल अदालत को सुनाना चाहते हैं तो उन्होंने हिंसक रास्ता छड़ के अदालत जाना चाहिए। फिर शाहीन बाग की शुरुआत हुई, उतों दिया मुसलमान औरतों के विद्यार्थियों ने संविधान को प्रमुख रख के नागरिकता सोध एक्ट का विरोध किया। इतने बहु गिणती मुसलमान औरतों की सी, इसका सबना ने साथ दिता। शाहीन बाग अंदोलन ने शांतमई अंदोलन का राह अपना के नवी पिरत पाई। शाहीन बाग ने पूरे भारत में घट्टो घट 200 अजिहे संघर्षों को प्रेरित किया। उसने कई मिथां नूं तोड़िया। एक मिथिहास धारना से कि बुरका पहनने वाली मुस्लिम औरतां पछड़ियां ते अनपढ़ हन, पर असी देखिया कि औरतां इस अंदोलन की अगवाई कर रही सन ते उन्होंने अपने धार्मिक आगू नूं इस लहर बारे फैसला नहीं लैण दिता। इस अंदोलन के कारण सरकार के लिए धर्म संकट खड़ा हो गया। यह अंदोलन विश्व पद्धर ते मीडिया लिए सुरखी बन गया, पर सानू यह मानना पवेगा कि यह अंदोलन मुख्य तौर पर मुसलमान लहर सी। इसे करके राजनीतिक पार्टियां इस विच शामिल होने तो परहेज कर रही सन ता जो हिंदू वोट बैंक उन्होंने नाराज ना हो जाए। यह गल हिंदू भाईचारे के दिमागों में भर दी गई है कि मुसलमान हिंदू धर्म विरुद्ध साजिशा करते रहते हैं। जो उन्होंने सवाल पूछा गया कि सीए विरोधी प्रदर्शनों में दिल्ली चोण मुहिम में कोई असर होया, जे होया तो किवें होया, इसका जवाब देंदे उन्होंने कहा कि एक भैड़े शगन वर्गा सी। चोण प्रचार तो बहुत पहला प्रधानमंत्री ने कहा कि सीए विरोधी प्रदर्शनकारी की पहचान उन्होंने कपड़े नाल की जा सकती है। उसने बड़े ही बौद्धिक ढंग के इशारा किया कि अंदोलनकारी मुसलमान ने। गृह मंत्री अमित शाह ने वोटरों नूं कहा कि वह इन्नी ताकत नाल ईवीएम का बटन दबण कि जो मौजूदा शाहीन बाग खत्म हो जाए। यह हिंसा का इशारा सी। एक होर केंद्रीय मंत्री ने खुलेआम गद्दारा नूं मारन की आवाज़ उठाई। एक भाजपा संसद मैंबर ने कहा कि अंदोलनकारियां साडियां तीआं ते भैणां दे नाल बलात्कार करनगे। अंदोलनकारियों को हिंदुओं की नज़रों में बदनाम करने की कोशिश की गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस अंदोलन तो अपने आप को दूर कर लिया। इस तों बाद असी यह भी देखिया कि किवें दो बंदूकधारी जामिया मिलिया और शाहीन बाग में दाखिल होए जिन्हां ने गोलियां चला के दहशत का माहौल बना दिता। मैं सीएए के विरुद्ध हाँ क्योंकि मेरी नज़र में यह एक धर्म नाल पक्षपात करता है। गृह मंत्री और सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने स्पष्ट कर दिता है कि सीएए को कौमी नागरिक रजिस्टर नाल जोड़ा जाना चाहिए, जिस नाल उन्होंने इरादे साफ हो जाते हैं। वह मुसलमानों को उन्होंने रुतबा दसना चाहते हैं और उन्होंने नागरिकता तो भी बेदखल करना चाहते हैं, जिवें कि आसाम के स्पष्ट है। असी आसाम में एनआरसी का भयानक नतीजा देखा है, जिसने हिंदुओं और मुसलमानों को अंतिम सूची में बाहर कट रखा है। इसके कारण लोगों को नज़रबंदी कैंपों में सुट दिता गया और इसने लाखों लोगों की जिंदगी प्रभावित किया। इस तो बाद जामिया मिलिया इस्लामिया में हमला होया, जिसने साडे सारे हिला के रख दिता। मैं एक अध्यापक हाँ तो जो विद्यार्थियों उत्ते जुल्म होंदे हन तां मैं चुप नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि जो मैं पता लग्या कि जफराबाद में तनाव वध रहा है तो साडे विचों कुछ ने फैसला लिया कि असी प्रदर्शनकारियों सड़क खाली करने लिए मनाईए ता जो कपिल मिश्रा और उसके आदमी हिंसा करन दा बहाना ना बना सकन। योगेंद्र यादव, राहुल राय, साबा दीवान, कविता श्रीवास्तव, खालिफ सैफी के नाल मैं जफराबाद औरतों को मनाउन गया सी, पर औरतों ने साडी गल नहीं सुनी। उस तो बाद असी सीलमपुर में सड़क जाम करके अंदोलनकारियां औरतों को अपील कर गए क्योंकि असी चाहते थे कि हिंसा के नाम से अंदोलन बदनाम ना हो। उतों असी सारिया थावां लई अपील जारी की। सानू डर सी कि सड़क जाम के बहाने हिंसा की जाएगी तो अंदोलनकारियों को बदनाम कर दिया जाएगा। इस तों बाद खालिद सैफी और मैं खजूरी विखे अंदोलन लई थां ते गए और उत्थे असी औरतों को सड़क छड़न लई तैयार किया। जो असी वापस जा रहे थे तो सानू पता लगा कि हिंसा शुरू हो गई है,
25 फरवरी नूं असीं सिविल सोसाइटी दे कारकुनां ते बुद्धिजीवियां नूं शांति दे यतनां दी अपील कीती। असीं दंगा प्रभावित इलाकियां विच राहत अते बचाव कमेटियां भी बनाईआं। मैं 9 फरवरी 2020 नूं दंगा खेतर दा दौरा कीता तां जो मैं हिंसा दे कारणां नूं समझ सकां। असीं दिल्ली सरकार नूं भी राहत कैंप स्थापित करन दी अपील कीती। फिर मुस्तफाबाद दे ईदगाह मैदान विच पहला राहत कैंप बनाया गया सी। साडा उद्देश शांति अते फिरकू सद्भावना स्थापित करना ते हिंदुआं ते मुसलमानां नूं आपस विच गल्लबात शुरू करन लई तैयार करना सी। 2-3 हफ्तिआं दे बाद कोरोना वायरस महामारी अते तालाबंदी शुरू हो गई अते असीं उत्थे नहीं सी जा सकदे। असीं दिल्ली यूनिवर्सिटी विखे सांझी रसोई की शुरुआत की तां जो असीं दिल्ली के दूजे हिस्सों में पीड़ित लोगों को भोजन वंड सकीए। यह इन्ना खतरनाक है कि इस देश में घट गिणती डर के परछावें हेठ रहिंदे ने अते उन्हां दे लई बुद्धिजीवी भी बोलने तो डरते हैं। असीं स्टालिनवादी रूस नहीं, असीं चीन या तुर्की नहीं हाँ। असीं अजे भी एक अजिहा देश हाँ जिसनों संविधान तहत आजादी हासिल हुई है। संविधान सानू शक्ति प्रदान करता है। सानू संविधान की रक्षा लई पहरेदारी की जरूरत है। जो उन्होंने उत्तरी पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा बारे पूछा गया तो उन्होंने दसिया कि भीम आर्मी नेता चंद्रशेखर रावण ने दिल्ली ने चोणों तो बाद भारत बंद का सद्दा दिता। सीलमपुर दी औरतां जफराबाद मैट्रो स्टेशन ते आईया अते सड़क नूं घेर लिया। असीं इस बारे सहमत या असहमत हो सकते हाँ कि यह करना सही सी या नहीं, पर सड़क जाम करना हिंसा नहीं है। इस तो पहला अनेक अंदोलनों में सड़क नूं जाम किया गया, पर इस तरह विरोधियों वालों कदें भी सड़क रोकने वाले ते हमला नहीं किया गया। भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने दावा किया कि असीं अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप की भारत फेरी के पूरा होण तक इंतजार करांगे अते उस तो बाद जे यह सड़क दिल्ली पुलिस ने खाली ना करवाई तो असीं यह काम करांगे। 29 फरवरी नूं असीं उत्तर पूर्वी दिल्ली पहुंचे अते असीं साड़े हुए घर अते दुकानां वेखियां अते लोकां दे नाल गल्लबात कीती। मुसलमानां दी हत्या अते उहनां दीआं जायदादां दा नुकसान हिंदुआं वल्लों कीते वध सी। इस हिंसा दा दूजा चरित्र इह सी कि इह हिंसा दे दौरान मस्जिदां नूं जानबुझ के निशाना बणाया गिआ सी। बहुत सारिया मस्जिदां बर्बाद कीतीआं गईआं पर एक भी मंदिर नूं नुकसान नहीं पहुंचा। इस हिंसा विच मुसलमान घरां ते मस्जिदां नूं नुकसान पहुंचाउण दे लई गैस सिलेंडरां दी वरतों बंबां दे तौर ते कीती गई। जो दंगे खत्म हुए गृह मंत्री ने एक बयान दिता कि हिंसा लई शाहीन बाग का संघर्ष करने वाले लोग जिम्मेवार ने। भाजपा अपने समर्थकों को यह दसना चाहती थी कि दिल्ली में हिंसा 2002 रात लगी सी। गोधरा में रेलगड्डी के सब तो पहला ही यह सिट्टा कढ़िया गया कि कोच को मुसलमानों ने साड़ दिता है। गोधरा तो बाद हिंसा को हिंदुओं का गुस्सा ते प्रतिक्रम दसिया गया। गृह मंत्री का यह बयान यह कहने बराबर सी कि CAA विरोधी लहर कारण यह हिंसा वापरी है अते नाराज हिंदुओं ने खुद ही प्रतिक्रम दिता है। गृह मंत्री ने विद्वान अते समाज सेवी उमर खालिद के कथित भड़काऊ भाषण का हवाला दिता। संसद में अमित शाह ने कहा कि कुछ लोग इसलिए विशेष तौर पर जिम्मेवार हैं अते उन्हां दे भाषणां विच हिंसा की गल की गई सी। अप्रैल के आखिर में उमर खालिद उत्ते उत्तरी पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के संबंध में गैर कानूनी गतिविधियों को रोकू एक्ट तहत दोष लाया गया सी। उस भाषण तो बाद जांच तहत जो निर्देश दिए गए वो इस प्रकार हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे उन्होंने लोगों की रची साजिश का नतीजा सन जो CAA के विरोधी प्रदर्शन की अगवाई कर रहे सन। हिंदू अते भारत के राज विरुद्ध साजिश कर रहे सन अते जदों अमरीकन राष्ट्रपति ट्रंप भारत का दौरा कर रहे सन तो इन्हां लोकां सरकार नूं शर्मिंदा करन लई हिंसा भड़काई सी। जे खबरां दी मन्नीए तां दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हिंसा के मामले में 751 केस दर्ज किए ने। हिंसा में मरन वाले 53 लोगों में 38 मुसलमान सन। उन्होंने कहा कि मुसलमानों विरुद्ध हिंदू भाईचारे को भड़काया गया। यह मंदभागी गल है कि दिल्ली पुलिस हिंसा के असल दोषियों की जांच में दिलचस्पी नहीं दिखाती बल्कि उस निर्धारित कहानी पर काम कर रही है जिसनों इसके सत्ताधारी प्रभु ने तैयार किया है। असीं कहिंदे आ रहे हैं कि हिंसा में हिंदू ते मुसलमान मारे गए हैं अते जायदाद नूं नुकसान पहुंचा है अते हिंसा की जांच होनी चाहिए है, पर पुलिस एक अजीब साजिश की जांच कर रही है कि CAA दे प्रदर्शनकारी अते जामिया प्रदर्शनकारी हिंसा लई जिम्मेवार ने। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका निराशाजनक है, वह सरकार पक्षी भूमिका निभा रही है। दंगों के नाल बहुत सारे मुसलमान उजड़े सन। असीं राहत कैंपां की मांग कर रहे सां अते कुछ संघर्ष तो बाद मुस्तफाबाद के ईदगाह मैदान में एक राहत कैंप बनाया गया सी, पर जल्दी ही महामारी के डर ने सारयां नूं घेर लिया। तालाबंदी का ऐलान उस समय किया गया सी जदों असीं दिल्ली दंगों के पीड़ितों लई राहत कार्ज कर रहे सी। बहुत सारे दुखी लोगों के कोल कारण सी, ना ही पैसे ते ना ही कोई समूहिक विरोध करन दा कोई तरीका सी। इस तो बाद बेरोजगार उजड़े लोगों को राहत प्रदान करने पर जोर दिता गया। इस दौरान दिल्ली पुलिस अपनी झूठी स्क्रिप्ट उत्ते काम करती रही। पुलिस ने CAA विरोध प्रदर्शन के प्रबंधकों अते उन्हां विच शामिल हुए लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिता। पुलिस ने यह प्रचार करना शुरू कर दिता कि अजिहे मास्टरमाइंड यूनिवर्सिटियों में बैठे ने जो भारत खिलाफ साजिशां कर रहे हैं।
ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਜਾਦਵਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਸਰਗਰਮ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਨਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਜੋ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਨਈਆ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਲੋਕਰ ਨੇ ਦੀ ਵਾਇਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਐਫ ਗ੍ਰੇਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਹ ਗ੍ਰੇਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ CAA ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਐਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਅਲ ਹਿੰਦ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।